हेलो, वेलकम टू टेक समिट। लास्ट सेशन में हमने देखा था लोकल डेटा एरिया के बारे में। आज वाले इस सेशन में हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया के बारे में। तो यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया क्या होता है? वो डेटा एरिया जो यूज़र पर्टिकुलर अपने सेशन पे क्रिएट करे, और उसको उसके अंदर हम जब भी कुछ डेटा स्टोर करें तो वो अपने किसी भी प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सके। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा कि लोकल डेटा एरिया में जो डेटा होता है वो हमारा पर्टिकुलर एक सेशन के लिए होता है, मगर जो हम यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया बनाएंगे तो वो हम किसी भी सेशन में उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने से देखा था कि लोकल डेटा एरिया को हमने डायरेक्टली चेंज chg dta arx कमांड से उसमें डेटा राइट किया था, बट उसके लिए हमने कोई डेटा एरिया बनाया नहीं था। अब जब हम यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया की बात करते हैं तो यहाँ हमारे को डेटा एरिया क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है crt dta ar। इस पर हम जब F4 करेंगे यहाँ पे हमारे को डेटा एरिया का नाम डालना होता है। तो अभी के लिए मैं नेम दे रहा हूँ डी एरिया। यहाँ पे लाइब्रेरी, किस लाइब्रेरी में इसको क्रिएट करना है, तो मेरी लाइब्रेरी का नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ शर्मित 1। और यहाँ पे टाइप, तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, तो अभी के लिए हम कैरेक्टर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टार कैर एंटर। तो अब ये हमारा कैरेक्टर डेटा को स्टोर करेगा। डेटा एरिया की लेंथ हम हमारे को डालनी है, तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली 500। अगर हमने कैरेक्टर लिया तो डेसिमल पोजीशन में यहाँ पे कुछ नहीं डालना। उसके बाद में इनिशियल वैल्यू, अगर हम उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। तो इनिशियल के लिए मैं अभी यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। मैंने ये वैल्यू डाली है tag-shermit। अब यहाँ अगर हम उसका कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया। ये ऑप्शनल है, ये बस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। बाकी मेन इन्फॉर्मेशन हमारे को डालनी होती है डेटा एरिया का नेम, किस लाइब्रेरी में क्रिएट करना है, उसका टाइप क्या होगा और उसकी लेंथ क्या होगी। और अगर इनिशियल डेटा कुछ उसमें हमें क्रिएट करने के साथ में डालना है तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। अब हम करेंगे एंटर, तो ये डेटा एरिया क्रिएट हो चुका है। अब इसको देखने के लिए हम कमांड डालेंगे। देखने के लिए डेटा एरिया की कमांड डालेंगे dspdta-ara। यहाँ पे हम डालेंगे डेटा एरिया का नाम, तो डेटा एरिया का नाम होगा डी एरिया शर्मित 1। तो लाइब्रेरी और डेटा एरिया का नाम डाल के एंटर करेंगे, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ पे आ रही है। तो हमने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी, तो अब हम इसको देख सकते हैं। अब सेम यही डेटा एरिया मैं किसी और सेशन में भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँ dspdta-ara F4 डी एरिया लाइब्रेरी का नेम एंटर, तो यहाँ पे भी हमारे को वो डेटा एक्सेस हो रहा है। तो ये एक एडवांटेज होता है यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया का, कि हम जब भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो हम मल्टीपल सेशन में भी शेयर कर सकते हैं, जो कि लोकल डेटा एरिया में नहीं होता। अब इसमें एक एडवांटेज ये और है कि अगर हम सेशन साइन ऑफ कर दें और वापस से उसको एक्सेस करें तो भी वो हमारे को हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करते हैं। तो अभी मैं वापस वो कमांड चलाता हूँ dta-ara F4 डी एरिया शर्मित 1। देख सकते हो आप, ये अब भी हमारे पास डेटा स्टोर है। अब सिम यहाँ पे अगर मेरे को इसके आगे कुछ डेटा और स्टोर करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ chg dta-ara। तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा एरिया को हम चेंज कर सकते हैं। F4 डेटा एरिया का नाम डी एरिया लाइब्रेरी शर्मित 1। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग पोजीशन, तो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ 100 और यहाँ पे लेंथ देता हूँ इसकी 5। और इनिशियल वैल्यू में, न्यू वैल्यू में हम डाल देते हैं 5x@। ये क्या करेगा, 100 पोजीशन से 5 कैरेक्टर स्टोर कर देगा हमारी न्यू वैल्यू के साथ। तो मैं एंटर करता हूँ। अब हम कमांड चलाते हैं dspdta-ara F4। अब हम डेटा एरिया का नेम देंगे, लाइब्रेरी का नेम देंगे, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 पोजीशन से इसने, यहाँ पे 100 पोजीशन ये वाला था, तो यहाँ से इसने हमारी वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट किया और यहाँ पे 5 कैरेक्टर हमारे
स्टोर हो चुके हैं। तो इस तरीके से अब यही सेम वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू हमारे को इसमें मिल जाएगी। वो अभी इसको F12 करके वापस से DSP PTA ARA F4 D एरिया शर्मित 1, तो यहाँ पे भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें लोकल डेटा एरिया और यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया में, तो वो डिफरेंस यही है कि लोकल डेटा एरिया हम सिर्फ पर्टिकुलर सेशन में ही यूज़ कर सकते हैं, और वो जब तक कि अवेलेबल रहता है, जब तक हम सेशन साइन ऑफ नहीं करते हैं। और जो यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया, वो हम मल्टीपल सेशन में भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो हमारा लॉन्ग टर्म तक डेटा स्टेबल रहता है जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते। डिलीट करने के लिए आप डायरेक्टली वर्क OBJ करके यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दो, तो आपका वो डेटा एरिया डिलीट हो जाएगा। यहाँ लाइब्रेरी नाम डाला मैंने, तो ये अगर इसको हम 4 से डिलीट करते हैं तो वो डेटा एरिया हमारा डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज वो हमेशा परमानेंट स्टोर रहेगा इसके अंदर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। आज हमने देखा कि किस तरीके से हम लोकल डेटा, यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया को बना सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं। मेनली कमांड देखी, जैसे CSGDTARA, CRTDTARA, क्रिएट करने की, डिस्प्ले करने की और चेंज करने की। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस डेटा एरिया के डेटा को प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं, और उस प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से इसमें हम डेटा को राइट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।